तो वेलकम सभी का, नमस्कार दोस्तों। और जो है आपको पता ही होगा कि जबलपुर में जो है वो बागेश्वर महाराज जी आने वाले हैं। तो वो कहाँ आ रहे हैं तो वीडियो पर बने रहिए, हम दिखा रहे हैं। और कैसी का तैयारी हो रहा है, कैसा का पंडाल बन रहा है वो दिखाएंगे अभी। और तैयारियाँ काफ़ी जोरदार, कार्यक्रम जो है वो 24-25 मार्च से लेके 31 मार्च तक चलेगा। और आगे वीडियो पर देखिए कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं, वो दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए अपने साथ में। तो यह रहा मेन द्वार जहाँ से प्रवेश करेंगे जनता। और ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है, और यहीं पे जो नए कथा होना है बागेश्वर महाराज जी की। और काफ़ी अच्छी तैयारियां, बहुत बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, और काफ़ी बड़ा मैदान है। कम से कम 20 से 25 एकड़ की ये ज़मीन होगी, उस पर जो है पंडाल लगा हुआ है। और पंडाल भी ऐसू ऊँसू नहीं है, बहुत ज़बरदस्त, जो अंध तूफान से भी सहन कर सकता है। आप खुद देख सकते हो, बहुत ही जोर तोर से तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ बड़ी बड़ी मशीन, और देखिए यहीं पे जो कथा होना है, और यहाँ यहीं पे जो है 27-28 तारीख को दिव्य दरबार भी लगना है इसी जगह पर। और क्रेन, और यहाँ पे देखिए काफ़ी बहुत बड़ा टेंट लग रहा है, खास कुछ नहीं। और यहाँ पर जो है महाराज जी रहेंगे, जहाँ कथा वाचक करेंगे भी, और मंच बना हुआ। और यहाँ बड़ी बड़ी क्रेन जो है लगी हुई हैं। और यहाँ लोगों को देखिए, काफ़ी पक्के आदि से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे तैयारियाँ तो अच्छी चल रही हैं, और 24 मार्च को ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और हम आएंगे 24 मार्च को, तो वहाँ दिखाएंगे। और ये जबलपुर के पनागर में रखा हुआ है, जबलपुर में। और यहाँ जो क्या बोलते हैं, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में है। और हम अब निकल चुके हैं घर की ओर, अब आएंगे हम 24 तारीख को, और फिर दिखाएंगे 24 तारीख का नज़ारा कैसा रहेगा। तो जब तक के लिए अपने चैनल पर बने रहिए, और कैसी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।